प्रशांत महासागर की विशेषताएं क्या है? ग्रह की सतह के लगभग एक तिहाई हिस्से पर कब्जा करके प्रशांत महासागर पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है। यह पश्चिम में एशिया और ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीपों के बीच स्थित है और इसकी सीमाएं हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पूर्व में। यह दक्षिण चीन सागर में गिने बिना 161.76 मिलियन वर्ग किलोमीटर के 5 क्षेत्र को कवर करता है। यह ग्लोब की कुल भूमि की सतह से अधिक क्षेत्र को कवर करता है। यह पृथ्वी के जल सतह के 46% हिस्से को कवर करता है और पृथ्वी पर किसी भी भूभाग से बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया में तिमूर सागर से केप लंदन डेरी तक फैले हुए को आम तौर पर दोनों के अलग होने के बिंदुओं के रूप में माना जाता है। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु मरियाना ट्रेंच में है। यह फिलीपींस के पूर्व में मरियाना द्वीप समूह से लगभग 200 किलोमीटर पूर्व में स्थित पश्चिमी प्रशांत में स्थित है। प्रशांत महासागर के बेसिन में दुनिया के 75% ज्वालामुखी भी शामिल है और यह रिंग ऑफ फायर बनाता है जो महासागर के चारों ओर प्रशांत महासागर के ज्वालामुखियों का एक छल्ला है। प्रशांत महासागर उत्तरी गोलार्ध में बेरिंग सागर में आर्कटिक महासागर से मिलता है और दक्षिणी गोलार्ध में यह दक्षिण अमेरिका में टियरा डेल फ्योगो और अंटार्कटिका में ग्राहम लैंड के बीच ड्रेक पैसेज में अटलांटिक महासागर के साथ मिल जाता है। यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है कि प्रशांत और भारतीय महासागर कहां अलग हो जाते हैं, लेकिन द्वीपों की एक रेखा सुमात्रा से पूर्व की ओर जावा में होते हुए तिमूर तक फैली हुई है। इस महासागर के नाम के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। यह फर्डिनेंड मैगेलन थे जिन्होंने पैसिफिक नाम लैटिन शब्द पैसिफिक्स से प्रेरित होकर दिया था, जिसका अर्थ है शांत। ऐसा कहा जाता है कि जब उन्होंने इसके जल में प्रवेश किया तो उन्होंने समुद्र को असामान्य रूप से शांत महसूस किया और इसके कारण यह नाम पड़ा। औसत गहराई 14,040 फीट है। अधिकतम गहराई 35,797 फीट है। प्रशांत के प्रमुख समुद्र है कोरल सागर, दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन का समुद्र, बेरिंग सागर, सोलोमन सागर, जापान का सागर, बाली सागर, कैलिफोर्निया की खाड़ी, टानकिन की खाड़ी। प्रशांत महासागर में कितनी प्रजातियां रहती है? वर्तमान में महासागर में 228,450 ज्ञात प्रजातियां है। सटीक संख्या अज्ञात है क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना है कि 90% से अधिक समुद्री जीवन अज्ञात है और उनको खोजना बाकी है। 2020 में जीव विज्ञानियों ने 1,500 नई प्रजातियों की पहचान की। उनका अनुमान है कि अभी भी 50,000 और 2 मिलियन के बीच और हो सकते हैं जिनकी पहचान नहीं की गई है। प्रशांत महासागर में सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है? सबसे खतरनाक जानवर किलर व्हेल है। किलर व्हेल, जिसे ओर्कास के रूप में भी जाना जाता है, बड़े पैमाने पर आक्रामक हत्यारे हैं जो समुद्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर है। वह आर्कटिक को छोड़कर प्रशांत के हर क्षेत्र और हर महासागर समुद्र में रहते हैं।